हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू कविता इज हेयर। हम सब ये जानते हैं कि नवरात्रि 7th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगी, तो इसी ओकेजन से रिलेटेड आज का ये वीडियो आपके सामने है, तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर किडुटोरियम किड्स प्रेजेंट कर रहे हैं न्यू फ्री ऑनलाइन कंपटीशन 2021, जिसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं और इसको स्पॉन्सर किया है क्राफ्ट आई स्टिक ने। आप 8 एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, फैंसी ड्रेस, थाली डेकोरेशन, डांडिया स्टिक डेकोरेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस ऑब्लिक डांडिया ऑब्लिक गरबा, ड्राइंग, रंगोली और क्ले माउल्डिंग। प्राइजेस की बात करें तो क्राफ्ट आई स्टिक एक गिफ्ट देंगे टू टॉप 2 विनर्स और ईच पार्टिसिपेंट को एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। टॉपिक है नवरात्रि। रूल्स, आपको क्राफ्ट आई स्टिक का फेसबुक पेज फॉलो करना है और 10 फ्रेंड्स पेज पे इनवाइट करने हैं और ऑर्गेनाइजर को शेयर करने हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आपको इस फेसबुक ग्रुप में भी 20 फ्रेंड्स इनवाइट करने हैं और ऑर्गेनाइजर्स को शेयर करना है, ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बी एक्टिव और कमेंट करें ऑन ईच एंड एवरी पोस्ट ऑफ ग्रुप। आपको अगर अपने विनिंग चांसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज का हिस्सा बने, मिनिमम 4। लाइक कमेंट और शेयर करें अपनी एंट्री वाली पोस्ट को टू गेट मोर रिएक्शंस। सभी एक्टिविटीज के लिए आप वीडियो या फोटो अपनी ख्वाहिश के हिसाब से सेंड कर सकते हैं और वीडियो की टाइम लिमिट है 30 सेकेंड से 1 मिनट, कोई भी एडिटिंग अलाउड नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज आपकी 12 साल से कम होनी चाहिए। डेट्स, इसकी शुरुआत आज से हुई है और लास्ट डेट रहेगी अक्टूबर 15। पार्टिसिपेट करने के लिए फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें और आपको वहां पर अपनी एंट्री एक पब्लिक पोस्ट के थ्रू अपलोड करनी है। उसके कैप्शन में आपको नेम, एज, एक्टिविटी नेम, लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करना है और ये हैशटैग्स भी रिटेन होने चाहिए, किडोटोरियम किड्स नवरात्रि स्पेशल और केटीएम अक्टूबर। आई होप कि आप सभी को ये नई जानकारी काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं फिर एक न्यू अपडेट के साथ। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए।